एक टॉपिक है जी, प्रोसेस टर्मिनेशन। अ प्रोसेस टर्मिनेट्स व्हेन इट फिनिशेस एग्जीक्यूटिंग इट्स फाइनल स्टेटमेंट एंड आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टू डिलीट इट बाय यूजिंग द एग्जिट सिस्टम कॉल। अब एक प्रोसेस टर्मिनेट होता है जबकि वो अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है, अपनी फाइनल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और एग्जिट सिस्टम कॉल के थ्रू वो टर्मिनेट हो जाता है, सिस्टम से एग्जिट कर जाता है। एट दैट पॉइंट द प्रोसेस मे रिटर्न अ स्टेटस वैल्यू। अब यहाँ पे वो पेरेंट को जो चाइल्ड प्रोसेस है अपने स्टेटस के बारे में इन्फॉर्म करता है। अब ये वेट सिस्टम कॉल के थ्रू पॉसिबल हो सकते हैं। ऑल द रिसोर्सिस ऑफ प्रोसेस इंक्लूडिंग फिजिकल एंड वर्चुअल मेमोरी, ओपन फाइल एंड इनपुट आउटपुट बफर्स आर डी एलोकेटेड बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उस प्रोसेस ने जितने भी रिसोर्सेज होल्ड किए होते, चाहे वो रैम है, वर्चुअल मेमोरी है, ओपन फाइल्स हैं या इनपुट आउटपुट बफर्स हैं, वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसे वापस ले लेता है, वो फ्री हो जाते हैं, उसे उसे डी एलोकेट कर देता है। अब टर्मिनेशन किस तरह से होती है, कैसे ये मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन के दौरान टर्मिनेट हो जाता है। अब यहाँ पे कई ऑप्शंस हैं। अ प्रोसेस कैन काज द टर्मिनेशन ऑफ अदर प्रोसेस वेयर एन अप्रोप्रिएट सिस्टम कॉल। अब एक चाइल्ड प्रोसेस है वो उसको टर्मिनेट हो सकता है उसकी पेरेंट की कॉल पे, मतलब पेरेंट प्रोसेस जो है वो चाइल्ड को टर्मिनेट करे सिस्टम कॉल के थ्रू। यूजली सच अ सिस्टम कॉल कैन बी इन्वोक्ड बाय द पेरेंट ऑफ द प्रोसेस दैट इज टू बी टर्मिनेटेड। अब ये इसलिए भी हो सकता है कि जो ये जो सिस्टम कॉल है टर्मिनेशन की, जो चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट करने की वजह बनेगी, ये सिस्टम कॉल पेरेंट की वजह से है। अब पेरेंट भी टर्मिनेट हो रहा है उस वजह से वो चाइल्ड भी टर्मिनेट हो जाएगा, अदरवाइज यूजर्स कुड आर्बिट्री किल ईच अदर्स जॉब। ये सिर्फ पेरेंट जो है वो चाइल्ड को टर्मिनेट कर सकता है। अब अगर इस तरह से मतलब ओपनली यूज़र के प्रोसेस को परमिशन नहीं होती कि एक यूज़र का प्रोसेस दूसरे को टर्मिनेट कर सके। अ पेरेंट में टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ वन ऑफ द इट्स चिल्ड्रन फॉर अ वराइटी ऑफ रीजंस। अब पेरेंट क्यों मतलब ये चाहता है कि जो चाइल्ड है वो टर्मिनेट हो जाए, उसके अपने एग्जीक्यूशन ख़त्म कर दे, इसकी कई रीजंस हो सकती हैं। द चाइल्ड हैज़ एक्सीडेड इट्स यूजेज ऑफ सम ऑफ द रिसोर्सेज दैट इट हैज़ बीन एलोकेटेड। चाइल्ड प्रोसेसेस को जो रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं उसने उसके यूज़ को बहुत तो ज़्यादा उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। अब जो पेरेंट है वो मतलब इसको डिटरमाइन करना चाह रहा है कि जो इसके चिल्ड्रन प्रोसेसेस हैं वो किस स्टेट में है, तो वो जो है इनको टर्मिनेट कर सकता है। द टास्क असाइन टू द चाइल्ड इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, कि जो टास्क चाइल्ड को असाइन किया गया अब मज़ीद मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है उसको परफॉर्म करने की, तभी पेरेंट एक चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकता था। पेरेंट इज एग्जिटिंग, यानी कि पेरेंट एग्जिट कर रहा है सिस्टम से, द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ अ चाइल्ड टू कंटिन्यू इफ इट्स पेरेंट टर्मिनेट। जब पेरेंट टर्मिनेट हो जाता है तो चाइल्ड कभी भी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम चाइल्ड को अलाउ नहीं करता कि वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे। फॉर एग्जांपल कि आपने गूगल को ओपन किया है, आप कुछ सर्च कर रहे हैं, आप उसी में से एक और मतलब उसका पेज ओपन कर लेते हैं, उसकी एक न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं, उस पर कुछ आपने डाउनलोडिंग पे लगाया है, अगर आप मेन को जो है वो क्लोज करेंगे तो डेफिनेटली जो उसका चाइल्ड क्रिएट हुआ है उसको टर्मिनेट होना पड़ेगा। प्रोसेस नॉर्मली टर्मिनेट्स व्हेन इट हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग इट्स लास्ट स्टेटमेंट। अब एक प्रोसेस तब टर्मिनेट होता है जब अपनी लास्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेता है। इट टिपिकली टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम बाय इशूइंग सम फॉर्म ऑफ द एग्जिट सिस्टम कॉल। अब इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने एंड के बारे में इन्फॉर्म करना है तो इसके लिए एग्जिट सिस्टम कॉल को यूज़ करता है। एट दिस पॉइंट द प्रोसेस मे आउटपुट सम डेटा टू इट्स पेरेंट इफ इट इज अ चाइल्ड प्रोसेस। अगर तो चाइल्ड प्रोसेस एंड हो रहा है तो अपने पेरेंट को कुछ आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है। इवेंचुअली द प्रोसेस हैज़ ऑल इट्स रिसोर्सेज रिमूव्ड फ्रॉम इट एंड इट इज़ नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द जॉब पूल। अब जब एक प्रोसेस ख़त्म होता है, एंड होता है, एग्जिट करता है, तो उससे तमाम जो रिसोर्सेज होते हैं वापस ले लिए जाते हैं, अब वो मजीद जॉब पूल का हिस्सा नहीं होता। अ चाइल्ड प्रोसेस मे बी टर्मिनेटेड बाई इट्स पेरेंट यूजिंग द बोर्ड सिस्टम कॉल। अब ये पॉसिबिलिटी है कि एक चाइल्ड प्रोसेस जो है वो उसको उसका पेरेंट टर्मिनेट करे अबॉर्ट सिस्टम कॉल के थ्रू। दिस मे अकर बिकॉज द चाइल्ड हैज़
आस्क फॉर टू मैनी रिसोर्सेज। अब इसकी वजह ये हो सकती है कि चाइल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की डिमांड कर रहा है। चाइल्ड इज़ नो लॉन्गर वॉन्टेड और द पेरेंट इज़ टर्मिनेटिंग। अब पेरेंट मतलब उसको वो एलोकेट करना नहीं चाह रहा तो वो इसको टर्मिनेट कर देगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम मे और मे नॉट अलाउ अ चाइल्ड प्रोसेस टू कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग आफ्टर द पेरेंट टर्मिनेट्स। ये सेकेंड रीज़न है कि एक मतलब पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हुआ है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कभी चाइल्ड को परमिशन नहीं देगा कि वो अपने एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करे। इन सम केसेस द चाइल्ड प्रोसेस इज शुड नॉट कंटिन्यू। कुछ केसेस में हो सकता है कि वो मतलब चाइल्ड केसेस कंटिन्यू ना करें। इन अदर केसेस अ चाइल्ड प्रोसेस में कंटिन्यू आफ्टर द पेरेंट हैज फिनिश। ये वहाँ पे होगा जब जहाँ पे चाइल्ड जो है अपने एग्जीक्यूशन के लिए एक नया थ्रेड यूज़ करे तो तब मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पेरेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाए और चाइल्ड जो है वो अपने एग्जीक्यूशन करता रहे। वरना जैसे ही पेरेंट्स टर्मिनेट होता है उसके साथ साथ चाइल्ड भी जो है वो टर्मिनेट हो जाता है।